ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपका जो स्किल टेस्ट का जो मिस्टेक है वो आपका कितना काउंट होगा। ऑलरेडी मैंने स्पीड बताया हुआ है कि 100 वर्ड पर मिनट का जो स्पीड है वो कहीं ना कहीं आप सभी का मांगा जाएगा। अभी स्टैन हुआ है तो उसमें 80 वर्ड पर मिनट था। स्किल टेस्ट मिस्टेक्स के बारे में अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ तो जो भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का जो रिलीफ है वो स्किल में मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस की भी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो उनके लिए कितना रिलीफ है 7% का जो रिलीफ है वो यहाँ पे मिलेगा। 7% का रिलीफ है जनरल के, 5% का है ये रिलीफ आपको मिलेगा टोटल वर्ड्स में। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 1000 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी तो यहाँ पे आपको 50 वर्ड और इनको आपको 70 वर्ड जो आपके रहेंगे वो कैटेगरी वालों को आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये तो हो गया मिस्टेक्स के बारे में, अब फुल एंड हाफ कैसे काउंट होगी। देखो पैराग्राफ का जो मिस्टेक है वो आपका फुल मिस्टेक्स में आपका आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। साथ में अगर यहाँ पे आप देखोगे कि पैराग्राफ के अलावा अगर आप जो आपका अगर मान लो कोई भी वर्ड अगर आपने मिस कर दिया, मान लो अगर वर्ड छोड़ दिया तो उसका भी आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा। अगर आपने कोई भी वर्ड आपने क्या किया रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो भी आपने जो होगा वो आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा। अगर वर्डिंग कोई गलत है, जैसे मान लो हमने राम लिख दिया, राम में अगर ए की जगह हमने ओ कर दिया, रोम कर दिया, तो फिर क्या होगा ना यहाँ पे आपके हमारी हाफ मिस्टेक्स आपकी काउंट होगी। कॉमा वगैरह की सबकी हाफ मिस्टेक्स ही आपकी काउंट होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो डिफरेंस आया है वो आपका आया है कि पैराग्राफ का फुल मिस्टेक जो है वो आपका काउंट एसएससी वगैरह में अभी तक नहीं होता था, बट अब लेकिन होने लगा है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होने लगा है। तो मेजरली चेंजेस रहेंगे।